मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक की कीमत तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको एक ट्रेन की कीमत मालूम है? देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल की ट्रेनों में हम सभी सफर करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दमदार इंजन के साथ चलने वाली एक ट्रेन को बनाने में कुल कितना खर्च होता है? अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई ट्रेनें भी चलाई जा रही है। यहाँ हम आपको वंदे भारत की भी कीमत के बारे में बताएंगे। भारत में फिलहाल 3 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली वाराणसी रूट पर चलाई गई थी। इसके बाद देश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा रूट पर चलाई गई, जिसके बाद देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल रूट पर चलाई गई। बताते चले कि गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल रूट पर चलाई जा रही वंदे भारत ट्रेन इस ट्रेन का अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें सफर करने वाले यात्रियों को पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से ज्यादा और बेहतर सुविधाएं मिलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नई जनरेशन की एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत करीब 115 करोड़ रुपए है। भारत में चलाई जाने वाली ट्रेनें आमतौर पर इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन से चलती हैं। इन इंजन को तैयार करने में 13 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। बताते चले कि इंजन की कीमत उसकी पावर के साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो बिजली से चलने वाली है या डीजल से। इंजन के बाद अगर ट्रेन के डिब्बों की बात करें तो ट्रेन का एक डिब्बा तैयार होने में औसतन 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जनरल क्लास का डिब्बा तैयार होने में ये खर्च थोड़ा कम होता है, जबकि एसी क्लास का डिब्बा तैयार करने में इससे ज्यादा खर्च होता है। एक सामान्य ट्रेन में औसतन 24 डिब्बे होते हैं। इस हिसाब से अगर हम एक ट्रेन की कुल कीमत का अंदाजा लगाएं तो ये करीब 66 करोड़ रुपए होता है। इसमें इंजन का औसत 18 करोड़ और 24 डिब्बों के 2-2 करोड़ रुपए के हिसाब से 48 करोड़ रुपए शामिल है। यानी आप जिस ट्रेन में सफर करते हैं तो उसकी औसतन कीमत 66 करोड़ रुपए होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।